सकते हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह रश इतना है आपके सामने इतना रश है और हमारे पास खाने की कमी हो रही है, आप हमारा साथ दीजिए। बहुत ज़रूरत है आपके साथ, किस ताउन के तलबकार हैं आपके ताउन के, आप आइए यहाँ लोगों को आकर खाना खिलाइए, अफ्तारी करवाइए। शॉर्टेज हो गई है, अभी 6-6 दिन बनने के बाद भी खाना कम पड़ रहा है बहुत से लोगों के लिए। अभी हम उनके समोसे मंगा के खिला रहे हैं, रोज़ाना का ही मामूल बढ़ रहा है, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि लोगों के पैसे नहीं है, लोग अपने घर में अफ्तारी नहीं कर सकते। फैमिलियों की फैमिली देखिए उनके घर से आ रही है, यहाँ की अफ्तारी कर रही है, आइए हमारा साथ दीजिए। रहीम, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी रोज़ा खुलने में बस चंद मिनट बाकी हैं और यहाँ पे सारी बिरयानी की दे खाली हो चुकी हैं और यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और खाना जो है वो कम पड़ चुका है। ये वाली गाँव में आधे से ज़्यादा लोगों को मैंने समोसे दिए हैं और वहाँ तक बिरयानी गई है, उसके बाद यहाँ तक लेडीज़ बैठी हुई हैं बैठे हुए, इतना खाना जो है कम पड़ गया है और यहाँ पे बिरयानी की बहुत शॉर्टेज हो रही है। हमें सिर्फ नहीं चाहिए चिकन बिरयानी, भी बिरयानी जो बंदा नहीं ले सकता, जिसकी हैसियत नहीं है या जो नहीं, जिसका बजट नहीं बन रहा, वो सिर्फ जो है आलू छोले की बिरयानी ला के दे दे, आलू की बिरयानी ला के दे दे, मगर बिरयानी ला के दे ताकि लोगों में तकलीम हो जाए। अभी भी लोग हाथ उठा रहे हैं कि हमें खाना देते, हमें खाना देते, मगर हमारे पास नहीं है, हमें मजबूरन लोगों को समोसे देने पड़ेंगे, खजूर देनी पड़ी और बिरयानी यहाँ ख़त्म हो चुकी, सारी देर खाली हो चुकी। तो आप लोगों से गुजारिश है यहाँ आएँ और अपने हाथ से जो है वो खाना तकसीम करें और लोगों में बांटें और ताकि सबको जो है वो रोज़ा इफ्तार करवा सकें अच्छे से अच्छा और सब जो है अपना पेट भर कैसे जा सकें। जजाकल्लाह। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह छठा रोज़ा जो है तमाम फ़कीर है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से दस्तरखान बढ़ता चला जा रहा है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं अफ्तारी के लिए, बेइंतहा रश होता है। आपसे ताउन की अपील है, आप आइए यहाँ पर अपने खुद केक लेके आए और बाप मसकीन शिकायत पहुँच लोगों को अपने हाथों से खाना बांटें, अफ्तारी करवाइए। रोज़ा कराना बहुत बड़ा अजर है, आपके साथ कसर रोज से हमारा साथ दीजिए। आपके साथ अभी 25-26 रोजे और रह गए, आपके ताउन के तलबदार दस्तखान की सलामुल्लाह के दस्तखान में खड़ा हूँ, आपके ताउन का तलबदार हूँ। आप आइए अपने हाथों से खुद आकर यहाँ पर, ये वो दस्तखान है कि खुद आप आकर खिला सकते हैं, खुद बांट सकते हैं, अपने हाथों से बांटिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, आपको पता है कि फ़लस्तीन में जो है इस पर कितना जुल्म हो रहा है और वहाँ पर यकीन जाने आप रोज़ाना 20-25 बच्चों को मार दिया जाता है, खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, सूखी रोटी वो बच्चे खा रहे हैं। उनके लिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह ताला उनकी मदद करे, अल्लाह उन पर जो तालीम लोग हैं अल्लाह उनकी पकड़ करे और मुसलमान जो वहाँ पर परेशान हाल हैं अल्लाह उनके लिए अजबाब बनाए, एक ऐसा इंकलाब आए कि मुसलमान जो है वो दुनिया पर हावी हों। और हमारा ईमान है कि इंशाल्लाह ताला हम सब जब दुआ करेंगे तो किसी ना किसी की तो अल्लाह दुआ सुनेगा। जिस तरह वहाँ पे आज़ाद लोगों ने मचाया हुआ है, बम मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, रोज़ाना का मशगूल है, 200-300 आदमी रोज़ मार दिए जाते हैं। आप सबसे आप भी दुआ करें, हाथ उठाइए, आप दुआ करें उनके लिए कि या अल्लाह उन लोगों के लिए रहम कर, उन पर उनके मेहरबानी कर, दुश्मनों को गर्क कर, जो निस्तर नाबूद कर, जो अल्लाह के नबी के चाहने वालों के साथ ऐसा करते हैं अल्लाह ताला उनको बर्बाद करे और मुसलमानों को फतेहयाब करे और उन बच्चों को वहाँ तक खाना पहुँचाएँ, वहाँ तक उनके लिए मसाइल अल्लाह ताला उनके मसाइल दूर करे। कि अल्लाह हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल करे। हम सबका काम है कि ये रमजान का महीना है, इसमें दुआ कबूल होती है। अगर हम सब दुआ मांगेंगे शायद इसमें से कोई अल्लाह का कोई नेक बंदा बैठा हो उसकी दुआ कबूल हो जाए।
और वो अल्लाह ताला सुन रहे हैं फलस्तीन के बच्चों के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए जहाँ पे जुल्म हो रहा है, जातियाँ हो रही हैं। लेकिन हम मुसलमान सब खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे में हिम्मत नहीं, ताकत नहीं है। हम डरते हैं कि हम मर जाएंगे। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने कहा कि तुम ईमान वाले बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दुआ करिए, शायद किसी की दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह ताला आप लोग किसी की दुआ की वजह से किसी का मसले हल हो जाए। हमारा मुसलमानों का काम है कि हम सब उनके उनके लिए दुआ करें। आमीन।